आज गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्मानीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सबके बीच पधारे हैं। सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे। ओ शांति, अब जो समय है हमारा जिम्मेवारी निभाने का समय है। हमने बाबा से लिया है, पूज्य बनना है तो संसार को देना है, देना है। क्या देना है, क्या देना है? तीन चार बातें आपसे कहूंगी। नंबर वन, आज फैसला कर लो, मैंने सबको दुआएं ही देनी है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, मैंने दुआ देनी। हमारी सारी क्लास में ऐसे कितने भाई बहन हैं नेगेटिव नहीं सोचते, वो हाथ खड़े करो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दुआएं देनी है, लेने की बात भूल जाओ। मैं दूंगी, आप ही मिलेगी, मैंने लेने का नहीं सोचना है, आप ही आएंगे। दूसरा, शुभ भावना, शुभ कामना हो सकता है। तीसरा, पूज्य बनना है तो बाबा ने दो बातें कही हैं। एक, सबको स्नेह देना है और दूसरा, सबको रिगार्ड देना है। भगवान वाच, सबको स्नेह देना है और सबको रिस्पेक्ट। कभी कभी क्या कह देते हैं हम, इसकी इज्जत मैं करूंगी, इज्जत पाने लायक है, वो है या नहीं है? आपको तो बाबा ने जज नहीं बनाया ना, आपको जज बनाया बाबा ने? नहीं बनाया। आपका काम है देना है। बाबा जब आखिरी मणके को भी महत्व देता है तो हमको भी तो देना होगा। लास्ट मणके को भी बाबा महत्व देता है। बाबा ने कहा छोटा बच्चा भी है ना, उसमें भी कोई गुण है, उस गुण से उसको रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूज्यपन के संस्कार है। हमारे कनेक्शन में जो भी हमारी मूर्तियों के आगे आते हैं वो दुश्मनी से आते हैं या स्नेह से आते हैं? भावना से आते हैं या दुर्भावना से आते हैं? भावना से। रिस्पेक्ट देते हैं या अपमान करते हैं? तो वो मूर्तियां इतना सक्षम है तो हम तो चेतन मूर्तियां ना, चेतन मूर्तियां। चौथी बात, नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। अब ड्रामा कंप्लीट हो रहा है, पुराने हिसाब किताब चुक तो करने, उसकी निशानी क्या है? अवस्था हल्की रहेगी, लाइट रहेगी। मेरे पुराने हिसाब किताब चुक तो हो रहे हैं, अवस्था लाइट रहेगी, बहुत लाइट रहेगी, योग अच्छा लगेगा, खुशी होगी। ये पुराने हिसाब किताब चुक तो हो रहे हैं।
और जो नए हिसाब किताब है वो मुझे बनाने नहीं है। अब मानो जाने अनजाने मेरे से कुछ ऐसी बात हो गई जो मुझे लगता है कि मैंने ठीक नहीं की, तो क्या करना है? बाबा को तो कहो, लेकिन जो जिसके साथ हुई है ना उससे क्षमा मांगो, थोड़ा झुको। क्षमा मांग लेने से क्लियर हो जाता है, क्योंकि घटना तो उसके साथ घटी है ना। आपको एक हंसी की बात सुनाती हूं, सच्ची बात है। दिल्ली पांडव भवन है ना, तो वहां 3 मंजिल का मकान है, तो हम लोगों को सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत कठिन लगता था, बार बार दौड़ते दौड़ते जाते थे, तो कभी लगता था गिर ना जाए, तो हम लोगों ने एक छोटी सी टोकरी लगा दी, लिफ्ट उसको हम लोग कहते हैं, टोकरी लगा दी। वो टोकरी मानो ग्लास चाहिए, तो नीचे से लेके ऊपर भागना पड़ता था, तो टोकरी में रख दो तो ऊपर से खींच लेते थे। तो ऐसे एक दिन एक बहन कपड़े धो रही थी ऊपर, कपड़े धो के वो थक गई, उसने नीचे जो बहन खाना खिला रही थी उसको कहा, बहन मेरे को ना थाली इसी में डाल दो, मैं नीचे ना आऊं मैं ऊपर ही खा लेती हूँ। अच्छा मैं डाल देती हूँ। उसने थाली टोकरी में रख दी तो ऊपर वाली ने कहा, थैंक यू बाबा। उसने फटाफट थाली निकाली, कहती ले लो बाबा से। तो ये मैंने क्यों सुनाया कि हम लोग सब कहते हैं हम बाबा से ले लेंगे बात, लेकिन जिसके साथ घटा उसको अपोलोजाइज करो। इससे क्या होगा, आपके अंदर झुकने का संस्कार आएगा। नहीं तो अहम होता है ना, सॉरी मेरे से ही हो गया, आप ख्याल नहीं करना, मैं आगे से ध्यान रखू, बात खत्म। अगर आप नहीं करेंगे तो हिसाब किताब बनता रहेगा, चलता रहेगा। ये काम करना है।